कुछ नहीं लिया आपको रहीम नहीं। ये सुअर का भी मैंने वीडियो दिखाया इजाज मक्की का, उस पर नोटिस नहीं लिया कि बरेलवी लोग वली की शादी कराते हैं अल्लाह से। कौन सी किताब में पढ़ा उसने जरा हवाला तो दे, कौन से आलिम की तकरीर पे सुना? हरम में बैठ के झूठ बोले वो जायज है। तालिबुर रहमान ने मैंने वो बहुत से वीडियो दिखाए नहीं, तालिबान का तालिबुर रहमान का मैंने एक वीडियो दिखाया, 500 वीडियो ऐसे मैंने दिखाए आज तक के, इन्होंने इस पर रुजू तो कर दी। तालिबुर रहमान कहते हैं मौलाना अहमद रजा बरेली ने किताब लिखी है और उस किताब में ये लिखा हुआ है कि रूहे घर पर आती है तो घर पे आके बोलती है क्या पकाया, तो घर वाले बोलते बिरयानी है तो रूहे बड़ी खुश होती है, घर वाले बोलते नहीं दाल खिचड़ी पकाई तो रूहे बोलती लाना तो तुम पे दाल खिचड़ी पकाई। कौन सी किताब में लिखा अलग है, माँ की हलाली औलाद है तो दिखा दिया मैं वो किताब, ये सब हजम हो जाता आप लोगों को। बाकी बातें बड़ी जल्दी पकड़ में आ जाती है आप लोगों की, दोनों तरफ से नहीं हो रहा है, यहाँ उसूल के बात हो रही है। कोई बात ये हो रही है कि अगर तौसीफुर रहमान ने कहा कि ईसा मसीह मर गए और फिर कहा उठा लिए गए तो मर गए ये कुफर हो गया, इस कुफर से तोबा कब हुई? बात नहीं समझ रहे आप, टेक्निकल बात मैं ये बोल रहा हूँ कि एक शख्स ने मैंने मिसाल दी, मैं अभी तकरीर करते करते कहता हूँ अल्लाह नहीं है, पीछे से फौरन किसी ने टोकर, मैंने कहा अल्लाह है भाई, अरे भाई जो मैंने कहा अल्लाह नहीं है उस कुफर से तोबा का आप कब करूंगा मैं? तोबा करनी पड़ेगी, और अगर तौबा नाम की कोई चीज नहीं है तो फिर रसूलुल्लाह ने भी तौबा का ये बाप हदीस मुहदीसों ने कायम क्यों किया और हदीस काय को आई तौबा की, सरकार की हदीस क्यों है क्या ऐलानिया तौबा की, ऐलानिया तौबा, ऐलानिया गुना की ऐलानिया तौबा, छुपे हुए गुना की छुपी हुई तौबा, तौबा फिर है किस चीज का नाम? तो कुरान ने क्यों कहा तौबा तुम नसुआ, तौबा ऐसी करो कि सच्चे दिल से तौबा करो, तो तौबा है ही नहीं, आप तो करे दिल का इरादा है तो काय की तौबा? फिर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बी, अल्फाज काय के लिए हदीसों में आ गए फिर ये तो ऐसी जे फिर तो यानी आपका दिमाग से दीन चलेगा, यानी मैं मुंह पे जबान से बोल दूं कुफर का जुमला जबान से बोलूं और तौबा दिल में करूं, ऐसा होता है क्या? तौबा जो गुनाह ऐलानिया होता है शरीयत के हिसाब से उसकी तौबा भी ऐलानिया होती है, और तौबा करने में कुछ शर्म क्यों आती है बेगैरतों को? क्या प्रॉब्लम है? ये इबलीस की नस्ल है क्या कि अड़ जाते तौबा करने पे? हम तो करते, हमने तो 500 बार तौबा की, अभी मुझे किसी भाई ने दिया तो मैंने खुलासा कर दिया फौरन माइक से, मैं बोलता जाने तो हो गई बात खत्म, क्या लेना देना, और कौन सा कुफर की बात नहीं थी ईमान की बात नहीं थी, मगर एक गलत फहमी थी कि मोहम्मद इतने अब्दुल वहाब नजी इबने अब्दुल वहाब की जगह अब्दुल वहाब निकला, हालांकि मुझे याद भी नहीं है, मगर एक भाई ने बोला यार आपने अब्दुल वहाब अब्दुल वहाब बोला, वो इबने अब्दुल वहाब है, पच्चे माइक लेकर रुजू किया कि हाँ भाई वो इबने अब्दुल वहाब सही सिपाती नाम है ना, किसी साहबी ने वहाँ भी बोला आपको एक हदीस को नहीं तो वहाँ आपने मोहम्मद इसलिए मंसूब नहीं है कि मोहम्मद बहुत अजमत वाला नाम तो वहाँ भी तो बहुत अजमत वहाँ भी उस गुनाह पे नहीं कहते समझा, नहीं तो वहाँ भी मोहम्मद पे भी ले सकते मोहम्मद से इसलिए नहीं लेते, मोहम्मद ही जमात बोले तो वहाँ भी सब हो सकते हैं, ईसाई भी वहाँ भी हो सकता है, खुदा को वो भी मानता है, झगड़ा तो मोहम्मद को लेकर है, यहूदी भी खुदा को मानता है, ईसाई भी मानता है, मजूसी भी खुदा को मानता है, मोहम्मद को कौन मानता है? शाह अब्दुल हक मौदी से दहलवी फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स 1000 साल की उम्र मिल जाए और 1000 साल तक वो अल्लाह अल्लाह कहे काफिर मरेगा, 1000 साल तक ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफा पढ़ते रहे काफिर मरेगा जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार नहीं करेगा, असली ईमान तो मोहम्मद रसूल है, अल्लाह का इनकार तो हिंदू को भी पकड़ के पूछो, अल्लाह एक है ईश्वर एक है, झगड़ा तो मोहम्मद को लेकर है ना, तो मोहम्मद ही क्यों बोले हम उनको, वहाँ भी बोलते हैं और रहेगा कि वहाँ भी अल्लाह का नाम है, तो कौन से साहबी ने अपने नाम निस्बत वहाँ भी लगाई हमको वो भी दिखा दो, और फिर जब तुमको वो अल्लाह के नाम से है तो फिर चिढ़ते भी क्यों हो, फिर जब वहाँ भी बोलते तो खुश हुआ करो ना, दोनों तरफ चलते हो, हमको आप बरेली बोलते हम तो नहीं चिढ़ते, हम बोलते हाँ भाई आला हज़रत की निस्बत लगाए हम आला को जन्नती मानते हैं, तुमने हमने को जन्नती से मंसूब किया, तुमको क्या शक है कि अब्दुल वहाब नजदीक ने अब्दुल वहाब नजदीक के जहन्नम में होने जन्नत में जाने पे, जो आप भी बोलो तो उस पर चिढ़ते भी हो, फिर बोलते अल्लाह का भी नाम है, जब अल्लाह का नाम है तो चिढ़ते क्यों हो, फिर तुमने फिर फख्र से बोलना हम वहाँ भी है, हम दंगी की छोड़ पर बोलते हम बरेली, तुम बरेली बोलते हमें नहीं छोड़ा, तुम बोलते सुन्नी हो हाँ हम नहीं चिढ़ते, तुमको शर्म भी है इससे अल्लाह का नाम भी है, अल्लाह के नाम की निस्बत शर्म आ रहे हो तुम लोग, आप बोल रहे ना कि हम नहीं बोल रहे, हजारों तकरीरें उसके घर के सामने से लगा के मैंने बोला आके बैठो, हाफिज हसन साहब ने श्रीलंका में पकड़ा उसको झूठ बोल के गया, 25 आयतें कुरान में वसीला लेना हराम है, एक आयत नहीं आज तक दिखाया, कुरान तो झूठ बोलते यार वो तुमको अच्छे लगते हो लोग, मौलियों का दर्द है
कुरान का दर्द नहीं है, अल्लाह की गुस्ताखी का दर्द नहीं है, रसूल की तोड़ की का दर्द नहीं है। बचकाना है आपका, अगर आप ये एतराज करते ना कि तारीख जमी तारीख मसूद साहब की बात का ये मतलब है, एतराज नहीं, ये बुक से आपका आपकी चलन है उनकी नहीं है, डुप्लीकेट है। यही समझा रहा हूँ बच्चों को, तारिक मसूद पे इल्जाम आ गया, तकलीफ हो गई। मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी को बोल दिया तकलीफ हो गई, रसूल की कितनी तोहीन हो जाए, कान पे जू नहीं रही। सही बात है, मरकर मिट्टी में मिलने वाला बोल दे कोई प्रॉब्लम नहीं चलता है, अकीदा है। हाँ, मरकर मिट्टी में वो कान पे, मौलाना पे उंगली नहीं रखना भाई आप, तुम खुदा को मक्कार बोलो चालबाज बोलो, वो समझ में नहीं आए पूरा बयान में इनको, ये बताना मैं किसके बात कर रहा हूँ। मेरी बात को ये प्रूफ कर रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि अभी एक घंटा नहीं हुआ, मेरी बात का जीता जागता सबूत मिल गया, जो मैंने तकरीर में बोला कि वहाबी वो फिरका होता है, वो जलील फिरका है कि वो रसूल की गुस्ताखी पे उसकी कान नहीं गर्म होती, उसको उस पर गुस्सा नहीं आता, खुदा को चालबाज बोल दिया तो वो ये नहीं सोच में पड़ गया कि हाँ यार चालबाज क्यों लिखा, तदबीर भी तो लफ्ज़ था यार लुगत में, वो लुगत का अच्छा लफ्ज़ क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया, वहाँ बुराई मायने क्यों लिए गए, खुदा को नहीं मालूम यार, वो झूठी क्या, वो झूठी क्या, जो बात सही लगी वो झूठी क्या, एक्सेप्ट करेगा ना वो झूठी क्या, डाउट तो जब वो झूठी क्या, तकरार तो डाउट रहेगी ना, तकरार तो वो झूठी है, जो बात आपने वो झूठी सही थी, तमाम आपकी बातें सही थी, लेकिन डाउट भी आदमी सवाल उठाता है। चलो जो नबी को मुर्दा बोले क्या हुक्म है, जबान से बोलो, देखता हूँ आपका ईमान कितना पुख्ता है। नबी को जो मुर्दा बोले, जो नबी के इल्म गैब का इनकार करे, उसका इल्म गैब पे आस्ते, खामोश खामोश खामोश। ये मैं लेता हूँ, अब शिया लोग की तकरीरें सुनेंगे, जो शिया अच्छा बोलेंगे वो लेंगे, बाबा को क्या कह देंगे, वो दिल जो चाहेगा अकल पे चलता है, अकल और दिल पे, किताबों सुनने से चलता है। मेरा कोई मजा भी नहीं, मैं अभी फिलहाल ना न्यूट्रल लेता हूँ, मैं कोई अल्लाह ताला आपको तौफीक, आइए 20 तारीख को भी आइए, बस 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 एक मिनट एक मिनट, 20 तारीख को भी आइए भाई, मैं बहुत सुनता हूँ, अच्छा के सुनो, बहुत सुनता हूँ मैं, आपको नहीं मैं सबको सुनता, नहीं मुझे सुनना, मैं सबको मुझे सुनना, पहले सुन लो मुझे सुनना, और मैं हवाले से बोलता हूँ, जो दूसरों को सुनते हैं उनको फोन करके पूछना ये जो बोला इसका हवाला पेश करो। मसूद नहीं आ सकता इंडिया, मुझे भी मालूम है, मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता, फसलुद्दीन हैदराबादी इंडिया का है, जर्जीज इंडिया के, अगर ये सच्चे हैं तो इनसे कांटेक्ट करो या मुझसे नंबर लेना, किसी का व्हाट्सअप करना, मैं इनके नंबर दूंगा आपको, इनको बोलना जब आप सच्चे हैं तो फारूक रद्वी के साथ मुनाजरा करने में आपकी फट क्यों रही है। न्यूट्रल होकर ही बात कीजिएगा, न्यूट्रल होकर ही बात कीजिएगा, बात ठीक है, बोलना भाई हमको सच जानना है, दोनों पार्टी बैठे बोला, अगर आपने मुझे सुना, अगर झूठ नहीं बोल रहे आपके, मैं सबको सुनता हूँ, तो सब में मैं भी हूँ, तो मेरी ये तकरीर आपने जरूर सुना होगा कि जर्जिस को हजारों बार बोला मैंने, तौसीफ रहमान को बोला, महराज रब्बानी इंडिया आता है इसको बोला, महराज रब्बानी को कि भैया अगर मुनाजरा करना है कोई जरूरत नहीं है, मस्जिद में मुनाजरा नहीं करेंगे, झगड़ा होगा मन रूम में बैठ जाओ, 11 तुम्हारे लोग 11 हमारे लोग रिकॉर्डिंग करेंगे, रिकॉर्डिंग नेट पर डालेंगे, दुनिया सुनेंगी, लाखों लोग सुनेंगे, आज भी तैयार नहीं है, इस दिन तैयार कर लोगे 50,000 रुपये मैं तुमको इनाम में दूंगा, क्या बात।